हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से झारखंड के जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करेंट अफेयर्स को हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। रोजाना सुबह 5 बजे हम लोग इस क्लास में झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें ताकि झारखंड के आने वाले एग्जामों में जो भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं वो आपको पता हो। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को लास्ट तक देखें। लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करेंट अफेयर्स का रिवीजन तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपसे एक क्वेश्चन भी इस क्लास के लास्ट में पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास के पीडीएफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बात करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में रागी उत्पादन कौन से जिले में सबसे ज्यादा किया गया है? रागी उत्पादन के मामले में कौन सा जिला झारखंड में पहले स्थान पर है, यानी झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा रागी का जो उत्पादन है वो किया गया है? रागी की बात करेंगे। रागी क्या होता है? रागी एक तरीके का फसल है। ये कैसा फसल है? तो ये मोटा अनाज है, कुछ सरसों के जैसा इसे देखने को मिलता है। और ये जो है सूखे क्षेत्रों में ज्यादा उगाया जाता है, यानी सूखे क्षेत्रों में रागी की खेती जो है ज्यादा की जाती है। अब बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड के गुमला जिले में, कहाँ पे? झारखंड के गुमला जिले में सबसे ज्यादा रागी की जो खेती है वो की गई है। तो झारखंड के गुमला जिले में सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन जो है वो किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुमला। झारखंड के गुमला जिले में सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन जो है वो किया गया है। गुमला में 4500 मेट्रिक टन 4500 मेट्रिक टन रागी का उत्पादन जो है किया गया है। और पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन गुमला जिले में ही किया गया है। तो रागी का उत्पादन सबसे ज्यादा गुमला जिले में किया गया, कहाँ पे? गुमला जिले में। गुमला जिले में 4500 मेट्रिक टन रागी का उत्पादन किया गया है। यहाँ पे 3500 हेक्टेयर भूमि पर रागी की खेती जो है वो की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन किया गया है, तो रागी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन झारखंड के गुमला जिले में किया गया है। कितना किया गया है? तो 4500 मेट्रिक टन रागी का उत्पादन किया गया है। और 3500 हेक्टेयर भूमि पर रागी का फसल जो है, मतलब खेती जो है वो की गई है। रागी की बात करेंगे, कुछ इस तरीके से रागी देखने को मिलता है। आप लोग सरसों देखे होंगे, सरसों के जैसा ही रागी जो है देखने को मिलता है। और ये एक मोटा अनाज है। ये मुख्यतः कहाँ पे उगाया जाता है, यानी इसकी खेती कहाँ पे की जाती है? तो ये मुख्यतः जो सूखे क्षेत्र होते हैं, सूखे क्षेत्र में इनकी खेती की जाती है। बात करेंगे इनकी खेती की, तो इनकी खेती में सबसे कम लागत आती है। रागी की खेती करने में लागत जो है बहुत ही कम आती है। आइए रागी के बारे में जानते हैं। तो ये आप रागी के बारे में देख सकते हैं, रागी का जो फसल है वो मुख्यतः सूखे क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है। ये आकार में छोटे होते हैं। आप लोग सरसों देखे होंगे, तो सरसों के जैसा ही ये जो रागी है वो देखने को मिलता है। और ये एक मोटा अनाज है। मोटा अनाज कहने का मतलब है कि आप लोग
चावल देखे होंगे, धान की खेती आप लोग देखे होंगे, गेहूं की खेती आप लोग देखे होंगे। तो धान गेहूं ये जो है मोटे अनाज है, उसी तरीके से रागी जो है वो भी मोटा अनाज ही है। और इसका जो आकार है वो गोल होता है। कैसा होता है? इसका जो आकार है वो गोल होता है। आप ये आकार को देख सकते हैं। तो किस आकार का ये होता है? गोल होता है। और ये एक मोटा अनाज है, सूखे क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। भारत की बात करेंगे तो हमारे भारत में आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, इन सभी क्षेत्रों में रागी का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में रागी का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर हमारे झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के गुमला जिले में सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन जो है वो किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखे, 4,500 मेट्रिक टन रागी का उत्पादन जो है झारखंड के गुमला जिले में किया गया है। गुमला की बात करेंगे तो ये आप मैप में देख रहे हैं, ये है मैप में गुमला। गुमला की स्थापना जो है कब किया गया था? तो गुमला की स्थापना की बात करेंगे 1983 यानी 1983 में, 1983 में गुमला जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। वर्तमान समय में गुमला में ब्लॉक की बात करेंगे तो वर्तमान समय में गुमला में टोटल 12 ब्लॉक है। गुमला अपनी बाउंड्री यानी अपनी सीमा कौन से राज्य के साथ साझा करता है? तो ये जो है अपनी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो है साझा करता है। झारखंड के 5 जिलों के साथ गुमला जो है अपनी सीमा को साझा करता है, यानी अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। ये मैप में देख सकते हैं, ये लातेहार, लोहरदगा, सॉरी रांची, खूंटी और सिमडेगा, ये वो 5 जिले हैं जो गुमला के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसे आप लोग याद रखिए। अब देखिए गुमला की बात आई है तो 5,327 किलोमीटर स्क्वायर का गुमला का टोटल एरिया है। गुमला में अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे 193 है, 193 गुमला का पॉपुलेशन डेंसिटी है। गुमला की बात करेंगे ये कौन से सब डिवीजन के अंतर्गत आता है, सॉरी ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये जो है साउथ छोटनागपुर डिवीजन यानी दक्षिणी छोटनागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अगर हम लोग सब डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे सब डिवीजन कितने हैं? यहाँ पे टोटल 3 सब डिवीजन है, गुमला, बसिया और चैनपुर। अब देखिए गुमला की बात आई है तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख किलों के बारे में कल ही देखा है। अब जो है आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि गुमला जिले में कौन से किले हैं और कितने किले हैं। झारखंड के प्रमुख किलों के हम लोग क्लास में देखे थे कि झारखंड के कौन कौन से जिले में कौन कौन से किले हैं। अब आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि गुमला में कितने किले हैं और गुमला में कौन कौन से किले हैं। तो ये आज के लिए आज का आपका टास्क है, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर दे। गुमला में ब्लॉक की बात करेंगे टोटल 12 है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये टोटल गुमला के 12 ब्लॉक को आप लोग देख सकते हैं। और अगर सब डिवीजन की बात करेंगे, अनुमंडल की बात करेंगे, तो ये टोटल इसके 3 सब डिवीजन है, गुमला, बसिया और चैनपुर। बाकी ये इसके आप सभी ब्लॉक के पोजिशन को भी देख सकते हैं, तो पोजिशन को भी आप लोग याद जरूर कर ले। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक क्लास लाएंगे, उस क्लास में हम लोग झारखंड के प्रॉपर सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में वन बाय वन करके देखेंगे, मैप में देखेंगे, और उन सभी जिलों में क्या खासियत है, उन सभी जिलों में क्या पाया जाता है, वो किसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है, वहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो एक एक जिले के बारे में हम लोग बात करेंगे। झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं, तो झारखंड के 24 जिलों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में कब से सुओमोटो म्यूटेशन को शुरू किया गया है? सुओमोटो म्यूटेशन क्या है? तो दाखिल खाड़ी को अब जो है लैंड रजिस्ट्रेशन के समय ही किया जाएगा, इसे कहते हैं सुओमोटो म्यूटेशन। अभी के समय में क्या होता है कि आप अगर कोई जमीन खरीदे तो उस जमीन का आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस जमीन का आप लोग दाखिल खारिज करते हैं। अब जो है
रजिस्ट्रेशन के साथ ही झारखंड में दाखिल कार्य को जो है किया जाएगा। उसके लिए जब आप किसी लैंड का, किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी के साथ आपको दाखिल कार्य का एक फॉर्म फिलअप करना है। यानी आपका जब लैंड रजिस्ट्रेशन होगा उसी समय जो है दाखिल कार्य हो जाएगा। दाखिल कार्य करने के लिए अब आपको बार बार सर्कल के हो चाहे ब्लॉक के हो चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसकी शुरुआत झारखंड में की गई है। और झारखंड में इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो 1 दिसंबर से झारखंड में जो है उसकी जो है शुरुआत की गई है। 1 दिसंबर से झारखंड में सुओ मोतो म्यूटेशन को शुरू किया गया है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में 1 दिसंबर से सुओ मोतो म्यूटेशन को शुरू किया गया है। यानी अब झारखंड में क्या होगा, अब जो झारखंड में ये होगा कि झारखंड में जब कोई भी व्यक्ति लैंड की रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसी समय लैंड के रजिस्ट्रेशन कराने के समय ही दाखिल खाड़ी के लिए उसको एक फॉर्म फिलअप करना है, और लैंड रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही उसका दाखिल खाड़ी जो हो जाएगा। अभी के वर्तमान समय की बात करेंगे, अभी क्या होता था, तो देखिए कोई व्यक्ति जब कोई जमीन को खरीदता था, जमीन खरीदने के बाद वो जो है उस जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना था, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग क्या करते थे, दाखिल खारिज करने के लिए अप्लाई करते थे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें ब्लॉक के और सर्कल के कई बार चक्कर लगाने होते हैं। लेकिन अब जो है आप क्या कर पाएंगे, अब आप लोग लैंड को खरीद कर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप लोग दाखिल खारिज को करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ ही झारखंड में अब दाखिल खारिज भी कर दिया जाएगा। इसकी जो शुरुआत है झारखंड में, झारखंड सरकार के द्वारा 1 दिसंबर से किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। बाकी के जो डिटेल्स है आप इस आर्टिकल को पढ़कर दे सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़कर बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो आप लोग अब याद रखें झारखंड में इसकी शुरुआत की गई है। हमारे पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे तो बिहार में इसकी शुरुआत पहले ही किया जा चुका है, अब हमारे झारखंड में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें, सुओ मोतो म्यूटेशन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हमारे भारत के 25 खिलाड़ियों को क्या किया गया है, तो 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और 1 खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा टेबल टेनिस खिलाड़ी अच्युता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित जो है किया गया है। तो अच्युता शरत कमल ये जो है इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, और 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये आप आर्टिकल को देख सकते हैं, इस आर्टिकल में सभी चीजें जो है दी हुई है। बाकी ये आप देख सकते हैं, अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे तो 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया है, ये है शरत कमल, और ये क्या है, ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। क्या है, ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और इन्हीं को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और भारत के 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो दोनों को ही आप लोग याद रखें, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन्हें किन्हें सम्मानित जो है किया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, खेल रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो सभी नाम जो है यहाँ पे दी हुई है, आप इस आर्टिकल को पढ़कर देख सकते हैं। ये पूरा कंटेंट जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में कब वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया है, तो वर्ल्ड एड्स डे की बात करेंगे, ये कब मनाया गया है, इसका सही आंसर होगा 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है।
यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को हर वर्ष वर्ल्ड एड्स डे जो है मनाया जाता है और एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो है मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करेंगे, यानी वर्ष 2022 की थीम की बात करेंगे, तो रॉक द रिबन इस वर्ष की थीम है, यानी वर्ष 2022 की थीम है वर्ल्ड एड्स डे का। अगर आपसे थीम पूछा जाए कि वर्ष 2022 का वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या है, तो रॉक द रिबन इस वर्ष का थीम है। तो इसे आप लोग करके हर वर्ष 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो है मनाया जाता है एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। हाल ही में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो G20 की अध्यक्षता की बात करेंगे इस वर्ष यानी वर्ष 2022 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष हमारे देश भारत ने G20 की अध्यक्षता जो है वो की है, तो आप लोग इसे याद रखें। G20 की बात करेंगे तो लोग सोचते हैं कि G20 का जब नाम आता है तो लोग 20 देश सोचते हैं, 20 देश नहीं है बल्कि यहाँ पे 19 देश है और एक जो है यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन और 19 देश है, टोटल 20 ग्रुप है, 19 देशों का एक समूह है और एक जो है यूरोपियन यूनियन है, तो G20 उसे कहते हैं। G20 जो है 20 देशों का समूह नहीं है बल्कि एक 19 देश है, 19 देशों का समूह है और एक जो है यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे G20 के सभी देशों को लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप मैं साइड जाता हूँ आप देख लें, तो यहाँ पे G20 के सभी देशों की जो लिस्ट है यहाँ पे दी गई है, टोटल 19 देश है और एक जो है लास्ट में आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इसमें 2022 में हमारे भारत ने इसकी जो अध्यक्षता है वो की है। अब देखिए, आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के कितने जिलों में चाय की खेती को शुरू किया गया है, तो झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती को जो है शुरू किया गया है। एक्चुअली 2 जिलों में चाय की खेती शुरू नहीं की गई है बल्कि झारखंड के 1 जिले में चाय की खेती को भी शुरू किया गया है, हजारीबाग में इसे शुरू किया गया है। आगे चलकर गुमला में भी चाय की खेती जो है वो शुरू की जाएगी, तो झारखंड के टोटल 2 जिलों में चाय की खेती जो है शुरू की जाएगी और ऐसा झारखंड में पहली बार हो रहा है कि चाय की खेती झारखंड में शुरू की जा रही है, तो इसे आप लोग देखिए झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती को शुरू किया जाएगा। 1 जिले में कर दी गई है, सॉरी, हजारीबाग में चाय की खेती को शुरू कर लिया गया है और हजारीबाग के 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती को शुरू किया गया है। उसके बाद गुमला के 40 एकड़ भूमि पर चाय की खेती को शुरू किया जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखें। अब देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने गांवों को सोलर पावर से जोड़ने का लक्ष्य जो है झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है, तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके दें कि झारखंड के कितने गांवों को सोलर पावर से, सोलर एनर्जी से जोड़ने का लक्ष्य झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, मतलब झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस रेलवे स्टेशन में आधार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, तो हम लोग इसके बारे में देखे थे कि झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन में आधार सुविधा केंद्र का शुभारंभ जो किया गया है, रांची रेलवे स्टेशन में अब जो है आधार सुविधा केंद्र जो है खोला गया है और वहां पे आधार कार्ड की सभी फैसिलिटीज जो है दी जाएगी लोगों को। आधार कार्ड का करेक्शन क्या कराया जाएगा, आधार कार्ड का निर्माण किया जाएगा, यानी नए आधार कार्ड को बना सकेंगे लोग, आधार कार्ड का करेक्शन करा सकेंगे, यानी आधार कार्ड से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं वो रांची रेलवे स्टेशन में शुरू की गई है, लोगों को वहां पे ये सभी सुविधाएं दी जाएगी। तो रांची रेलवे स्टेशन में आधार कार्ड की सुविधा केंद्र को खोला गया है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची रेलवे स्टेशन। हाल ही में JPSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो JPSC की बात करेंगे, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC का फुल फॉर्म है और JPSC के अध्यक्ष की बात करेंगे तो नीलिमा करकेट्टा, किन्हें, नीलिमा करकेट्टा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीलिमा करकेट्टा, नीलिमा करकेट्टा को JPSC का अध्यक्ष जो है
वो बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, नीलिमा कर्केटा को जेपीएससी का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। हाल ही में झारखंड के पिकबॉल खिलाड़ी जसमीत सिंह कालरा ने वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है, तो इन्होंने सिल्वर पदक, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर पदक प्राप्त किया है। झारखंड के कितने छात्रावासों को नए स्वरूप में बदला गया है, तो झारखंड के कितने छात्रावासों को नए स्वरूप में बदला गया है, इसका सही आंसर होगा 234। झारखंड के 234 छात्रावासों को नए स्वरूप में बदला गया है। साथ ही साथ झारखंड के जिलों में 5 क्या किया जाएगा, 5 हाईटेक छात्रावास का निर्माण जो है किया जाएगा। झारखंड में कितने प्रमंडल है, झारखंड में 5 प्रमंडल है यानी 5 डिवीजन है, और सभी डिवीजन में एक एक हाईटेक छात्रावास का निर्माण जो है किया जाएगा, यानी एक प्रमंडल में एक हाईटेक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में टोटल 5 हाईटेक छात्रावास का निर्माण जो है वो किया जाएगा। हाल ही में कब हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन जो है हो गया है, तो राजू श्रीवास्तव की बात करेंगे, ये एक हास्य कलाकार थे और इनका जो निधन है वो 21 सितंबर को हो गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के कितने जिले के 10-10 स्कूलों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा तंबाकू मुक्त मॉडल बनाया जाएगा, तो राज्य के 4 जिले के 10-10 स्कूलों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा तंबाकू मुक्त मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो राज्य के 4 जिले के 10-10 स्कूल यानी राज्य के टोटल 40 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित जो है किया जाएगा। इनमें से 5 स्कूल जो है गवर्नमेंट के होंगे और 5 जो है प्राइवेट स्कूल होंगे, टोटल 1 जिले से 10 स्कूल होंगे। झारखंड में कब तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जाएगा, तो झारखंड में आयुष्मान भारत पखवाड़ा की बात करेंगे, 30 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। हाल ही में झारखंड के पत्रकार अमित मिश्रा का कब निधन हो गया, तो अमित मिश्रा की बात करेंगे, इनका निधन जो है 24 सितंबर को हो गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के पत्रकार अमित मिश्रा का निधन 24 सितंबर को हो गया है, तो इससे आप लोग देखिए, ये वर्तमान में दैनिक भास्कर, आप लोग पेपर का नाम सुने होंगे, तो दैनिक भास्कर के क्या थे, पत्रकार थे, और इनका हाल ही में 24 सितंबर को निधन जो है हो गया है। राज्य के किस जिले की आकांक्षा ने राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में क्वालिफाई जो है कर लिया है, तो ये जो है रांची की रहने वाली है आकांक्षा। हाल ही में मिट्टी भर खुशी पुस्तक का लोकार्पण कब किया गया, तो अगर इस पुस्तक की बात करेंगे, इस पुस्तक का नाम है मुट्ठी भर खुशी पुस्तक का बात करेंगे तो इसका लोकार्पण 25 सितंबर को किया गया, कब किया गया है, 25 सितंबर को किया गया है। बात करेंगे इन 10 करेंट अफेयर्स की, तो इनके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आज जो है इनका हम लोग रिविजन किए, इन करेंट अफेयर्स को हम भूल ना जाए, ये हमें याद रहे, इसीलिए हम लोग इस क्लास के लास्ट में कुछ प्रीवियस डेज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब हर संडे को मंडे टू सैटरडे जो भी करेंट अफेयर्स देखे हैं उनका हर संडे को रिवीजन करेंगे। मंडे टू सैटरडे जो भी करेंट अफेयर्स हम देखे हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, अब हर संडे को रिवीजन जो है कर लेंगे। इससे ये फायदा होगा कि हर वीक में हम झारखंड के करेंट अफेयर्स को आसानी से रिवीजन कर सकेंगे और वो हमें याद रहेगी। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।